लंबा इंतजार करवाने के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी को ही पार्टी की कमान सौंप दी गई है। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसे लेकर अब विपक्ष लगातार कांग्रेस पर वार कर रहा है। विपक्ष लगातार कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा रहा है और इन्हीं सबके बीच में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीते लोकसभा चुनाव द्वारा वंशवाद की राजनीति को खारिज कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इससे सबक नहीं लिया। पार्टी अभी भी चाहती है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेतृत्व करें। चौहान ने कहा कि भाजपा ने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि उसके नेता स्वाभाविक रूप से पार्टी में बढ़ते हैं। कांग्रेस एक परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाई। यहां कांग्रेस पार्टी को चेताते हुए, कांग्रेस पार्टी को आगाह करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो कोई भी उसे नहीं बचा सकेगा। यानी अगर अध्यक्ष पद के लालच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी उलझे रहे तो कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं बचा सकेगा। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, पार्टी की जो स्थिति है उससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। यह आश्चर्यजनक है कि सीडब्ल्यूसी अभी भी चाहती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही पार्टी का नेतृत्व करें। एसपीएन 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।